सबसे पहली कविता अपनी बेटी के लिए और सभी सुंदर बेटियों के लिए इस दुनिया में, बहुत ही सुंदर सुंदर चेहरे मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी है, तो उदास मत होइएगा। सो बेटी से शुरू करूंगी कि बेटी रौनक है रंगत है, बेटी खुशियों की संगत है, बेटी रौनक है रंगत है, बेटी खुशियों की संगत है, और खारा मत समझो बेटियों की आँखों के पानी को, बेटी तो मीठे जल का पनघट है। और तुम निर्झर तुम पावन हो, मातृशक्ति को समर्पित, कि तुम निर्झर तुम पावन हो, तुम तुलसी वाला आंगन हो, तुम अवनी तुम नील गगन, तुम अपनी माँ का दर्पण हो, सदा रहो तुम मुस्काती इठलाती कभी बल खाती, अश्रु ना छूने पाए तुम्हें, सदा सुख की बहारें आती रहें, मुस्काने साथ निभाती रहें। फ्लो में थोड़ा जल्दी चलने देते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ है मेरे पास जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, तो दो बार रिपीट नहीं करूँगी। हार यही है जीत यही है, हार यही है जीत यही है, जीवन की हर रीत यही है, मन से सोचो हार गए तो हार गए बस हार गए तुम, और मन से सोचो जीत गए तो जीत गए जग जीत गए तुम। इन असफलताओं से, थैंक यू सो मच, इन असफलताओं से कभी उदास होना मत, जीवन में अपना हौसला कभी खोना मत, इस जमी से आगे एक आसमां और भी है, रुकना मत थकना मत टूटना मत, क्योंकि रुकने में हर्ज नहीं है, डूबने में हर्ज नहीं है, डूबता सूरज भी रोज है लेकिन उस उम्मीद के साथ डूबता है कि कल फिर उगना है और दुनिया को उजाला बांटना है। सो इफ यू आर अ रियल सन यू विल राइज अगेन, एंड इफ यू डोंट यू वर नेवर द रियल वन, सो बी द रियल वन, रियल सन। फिर शुरू करते हैं कि पिता के बारे में कहना चाहूंगी कि कब आसा था माँ बाप हो जाना, कि कब आसा था माँ बाप हो जाना, खुद की जमीन ना हो और किसी का आकाश हो जाना। और पिता आपके जाने के बाद आप रह गए मुझ में, हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो बहुत दुखी, बहुत बहुत, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। एक छोटी सी इंस्पिरेशन आपको देना चाहती हूँ कि पापा आपके जाने के बाद आप रह गए मुझ में, कभी हंसते हुए कभी गुस्सा होते हुए, और आपकी सादगी आज भी झलकती है मेरे किरदार से, और आपकी बेबाकी आज भी चमकती है मेरी आवाज़ से, और आसमां में सबसे ऊंची पतंग आज भी आपकी है, आसमां में सबसे ऊंची पतंग आज भी आपकी है, और कम उसूलों के इस दौर में सच्ची बातें जिंदा आपकी है, कम उसूलों के इस दौर में जिंदा बातें आपकी है, और मेरी मेरे जीवन की जितनी भी अच्छाई सच्चाई है वो आपके खून से आई है, मेरे जीवन की, पिता के बारे में बात चल रही है, कि मेरे जीवन की जितनी भी अच्छाई सच्चाई है वो आपके खून से आई है, और मेरी जितनी कमजोरी बुराई है वो मेरी खुद कमाई है। और एक बहुत ही सुंदर रचना आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि माँ के बारे में हम बहुत लिखते हैं, पिता के बारे में कई मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि लिखो, आप लोगों के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, यू आर आर सपोर्ट सिस्टम, भाई आजा पिक कर ले, पापा ये कर देना, दोस्त ये कर ले असाइनमेंट, मतलब आप इतना ज़्यादा अंडररेटेड सपोर्ट सिस्टम हो ना, आप सभी लोगों के लिए है ये, सभी लोगों के लिए, आप लोग इतना एग्जैक्टली आप इतना मूड स्विंग्स हमारा झेल लेते हो, पता नहीं चलता है हम लोगों को, जब हमारी कोई फ्रेंड मूड स्विंग्स देती है ना तब लगता है यार, तो आप सभी लोगों को सैल्यूट है, तो आपके लिए है। कि उम्र भर जिंदगी उलझाती रही उसे, कि सालों साल जिंदगी उलझाती रही उसे, और एक दिन जिंदगी को उसने सुलझा लिया। ये मत समझना कि वो बताता नहीं है, ये मत समझना कि वो बताता नहीं है, और ये भी गलत है कि वो छुपाता नहीं है, और रो लेता है अक्सर यारों के बीच अपने, और रो लेता है अक्सर यारों के बीच अपने, वो मर्द है ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है। क्या दिया किसको दिया कितना दिया उसने, क्या दिया किसको दिया कितना दिया उसने, इन हिसाबों का हिसाब कभी लगाता नहीं है, वो मर्द है ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है। और ठीक से पहुँच जाना, ठीक से पहुंच जाना, पहुंच के कॉल करना, ये कहकर जता देता है फिक्र बेटियों को तो अपनी, लेकिन बेटों को गले लगा पाता नहीं है, वो मर्द है ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है। और खुद टूट टूट कर, खुद टूट टूट कर ईंटें ईंटें जोड़ता है, और अपने ही मकाम में सुकून से बैठ पाता नहीं है, वो मर्द है ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है। आखिरी लाइन,
कि सुन लेता है सबकी अच्छी बुरी खरी खोटी बातें, कि सुन लेता है सबकी घर ऑफिस एवरीवेयर, सुन लेता है सबकी अच्छी बुरी खरी खोटी बातें, लेकिन अपने मन का तूफान कभी किसी को बता पाता नहीं है, वो मर्द है ज़्यादा मुस्कुराता नहीं है। रैपअप करेंगे और आप सभी ने इतने प्यार से मुझे सुना है, वेरी आई एम वेरी ब्लेस्ड, दिस इज़ वन ऑफ एक ऐड हो गया एक रीज़न और मुझे खुश रहने के लिए। सो चार लाइन ये आप लोगों के लिए कि यूँ ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, यूँ ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराते रहिए। आशा नहीं है, आशा नहीं है यूँ गर्दिशों को झेल पाना, कि आशा नहीं है यूँ गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे न यूँ सिर झुकाते रहिए, और जो तूफ़ा में भी कश्ती को, जो तूफ़ा में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी सी हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।